जाओ जल्दी लिंक को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करें जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं वो, और बेल आइकन को दबाना ना भूले नए स्टूडेंट को, क्योंकि आपको वो वीडियो आपको मिलती जाएगी अपडेट। ओके फास्ट आओ गाइज, रिवीजन कर लेते हैं अपन इस वीक का। एग्जाम है अभी यूडीसी की, आपको पता है करंट अफेयर आने वाला है, 200 मार्क का है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी पेपर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा ये अपने लिए। गुड मॉर्निंग लोकेश, रोहित, अभिषेक, प्लीज शेयर द लिंक, जहां जहां जुड़े हो वहां वहां शेयर कर दीजिए लिंक को। चालू करते हैं अपन ताबड़तोब बैटिंग। वॉइस क्लियर आ रहा है मेरा आप लोगों को? आशा करता हूँ वॉइस क्लियर आ रहा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। गुड मॉर्निंग मनीषा, निशा, आकाश, लोकेश, गुड मॉर्निंग श्रद्धा, मॉर्निंग तेजल। तो चालू करो तो चलते, शेयर कर दो सब लोग। हाँ वंडरफुल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रियंकेश और आज मैं आपको सेकेंड वीक के टॉप करंट अफेयर को रिवीजन करवा देने वाला हूँ। यहाँ न्यू करंट अफेयर भी रहेंगे कुछ, और फिर जो पुराने करंट अफेयर हो गए हैं उसकी अपन रिवीजन करेंगे। आपको देखना है कि ये सोमवार से अब तक के आपको कितने करंट अफेयर याद है, कितना हुआ, कितना स्टैटिक आता है, कितने टॉपिक आता है, सब कुछ आपको देखना है कि मेरे कितने राइट है। हर 30 क्वेश्चन के बाद मैं आपको पूछूंगा, आपको सच्चाई से ईमानदारी से बताना है कि कितना राइट है और कितने रॉन्ग है। फिर लास्ट में आपको बताना है कि को कितने किसका राइट है, मैं फिर टॉप 3 स्टूडेंट को निकालूंगा। ठीक है चलो, आपको स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है उस क्वेश्चन का आंसर आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है, करके देखो अच्छी बात है। ठीक है चलो चलते हैं गाइस। देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। टुडेज थॉट ऑफ द डे, बुद्धि ईश्वर का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ वरदान है। इसका इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ करना चाहिए। बुद्धि ईश्वर का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ वरदान है, इसका इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सच्ची लगन से करना चाहिए। बट ऐसा होता क्या? नहीं, सैराट झल जी, ऐसा करते हो आप लोग, आते हो पढ़ने के लिए और जाते हो दो होके, है कि नहीं? तो ऐसा ऐसा नहीं करना। बुद्धि लेके आए हो, विवेक लेके आए हो, भगवान ने दिया है उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। अच्छा बुद्धि ये सब कुछ कर सकता है आपकी लाइफ में,
आपको अच्छा बना सकता है, बुरा बना सकता है। अगर आप ईमानदारी से और सच्ची लगन से किसी चीज को पाओगे तो जन्नत और भगवान भी क्या चीज है आपको जरूर मिलेगा। बस ईमानदारी और सच्ची लगन चाहिए। नहीं, आप आते हो करने के लिए, जिसके बाद पढ़ना चाहते हो, जिससे नॉलेज लेना चाहते हो, है ना, वही सच्ची लगन नहीं है, है ना, वही गोष्टी खो जाते हो। नहीं मुझे आता है, मैं करूंगा, ऐसा होता है ना भाई। कितना भी हो जाए, गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है, याद रखना। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो थोड़ा ईमानदारी और सच्ची लगन का इस्तेमाल करो, और जो बना रहा है आपको, है ना, जब तक बनते नहीं तब तक ईगो नहीं लाना, और उसके बाद भी नहीं लाना, और बुद्धि का यूज करके आपके एम को ही फॉलो करना है, बाकी किसी की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। ट्रेनर ट्रेन करता है, वो ट्रेन जैसा जैसा करवा रहा है उसके तरफ वैसे वैसे जाना पड़ता है। एंड अगर ट्रेनर के ही जो पढ़ा रहा है उसके ही उसके लिए ही आपके दिल में डिफरेंट होगा तो कैसा होगा, आपका मिसमैच हो जाएगा ना गाइस, है ना। तो पूरी लगन से और पूरी सच्चाई से कभी भी कहीं नॉलेज लेने जाते हो तो लेना, रिस्पेक्ट करना, पढ़ाई करना, अपने आजू बाजू लोगों के भी अच्छे से रहना, यही कंपटीशन चाहता है। अगर आप जॉब लग जाओगे और जाओगे वहां, है ना, गवर्नमेंट जॉब में, तो वैसे ही रहोगे क्या? नहीं, आप सच्चाई से और पूरी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, तब जाके आप सर्वाइव करोगे, नहीं तो आपकी विकेट गिर जाएगी। ठीक है गाइस, तो बुद्धि ईश्वर का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ वरदान है, इसका इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ करना चाहिए, चाहे किसी चीज में भी हो। ठीक है, तो चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन नए हैं और उसके बाद जो अपने पुराने क्वेश्चन थे वो रहेंगे गाइस। ठीक है, देखो, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम। किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है भाई? उस राज्य सरकार का नाम है, उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है कर्नाटका। क्या नाम है? कर्नाटका। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम लॉन्च किया है उनके स्टेट के वुमेन्स लोगों के लिए, उनके स्टेट के वुमेन लोगों के लिए। ठीक है, और उस प्रोग्राम का नाम दिया है उन्होंने, क्या दिया है उनका नाम दिया है? वुमेन एट द रेट वर्क नाम दिया। क्या दिया है? वुमेन एट द रेट वर्क नाम दिया। ठीक है, रोज अपन स्टैटिक पढ़ते हैं तो आज मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, बिकॉज दिस इज अ वीकली करंट अफेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस अ सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने बोला है ऐसा? ऐसा बोला है भाई हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने अनाउंस किया है भाई, क्या अनाउंस किया उन्होंने अनाउंस क्या किया है कि हमारे स्टेट में वुमेन लोगों के लिए अवार्ड चालू कर रहे हैं, है ना। और कौन सा अवार्ड चालू कर रहे हैं वो? उसका नाम है सुषमा स्वराज अवार्ड। कौन सा अवार्ड? सुषमा स्वराज अवार्ड। इंपॉर्टेंट है, सुषमा स्वराज अवार्ड। सुषमा स्वराज अवार्ड कहाँ का है? ये हरियाणा का है। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्रिसिल has projected India GDP growth rate at dash for 2022-23. ठीक है, क्रिसिल ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर डैश रहने का अनुमान लगाया है। तो क्रिसिल ये फोरकास्ट करता है ना, अपनी इंडिया का भी है,
है ना रिलेटेड है, और वो इंडिया की जीडीपी बताया है कि 2022-23 में कितनी रहेंगी, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो कितनी रहने वाली है 2022-23 में, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया कि 7.8 रह सकता है ना। तो क्रिसिल ने कितना बोला है, क्रिसिल ने बोला है कि इंडिया की जो जीडीपी रहने वाली है जीडीपी वो 2022 और 23 में 7.8% रहेगी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज रिलीज्ड हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल ऑन बोर्ड माय इयर्स इन बीसीसी, बीसीसीआई, ठीक है, ऑन बोर्ड माय इयर्स इन बीसीसीआई शीर्षक से अपनी आत्मकथा का विमोचन किसने किया है। सिंपल याद रखना, ऑटोबायोग्राफी का है एक पर्सन का, ऑन बोर्ड माई इयर्स इन बीसीसीआई, इसके एक इसकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, तो कौन है, आंसर इज रत्नाकर शेट्टी। तो रत्नाकर शेट्टी हैज रिलीज हिज ऑटोबायोग्राफी, है ना, क्या नाम है, ऑन बोर्ड माई इयर्स इन बीसीसीआई, ठीक है, क्या नाम है, रत्नाकर शेट्टी, जितने बार रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है गाइस, क्या नाम उनका, रत्नाकर शेट्टी नाम है ना। इन्होंने क्या किया, अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया, ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया, और उसका नाम दिया है उन्होंने ऑन बोर्ड माय इयर्स इन BCCI, ठीक है, ये नाम दिया, ऑन बोर्ड्स माय इयर्स इन BCCI, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है, रत्नाकर शेट्टी की है, ठीक है, आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिटेन इट्स नंबर वन स्पॉट इन स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर्स, बोलना क्या चाह रहे हो, निम्नलिखित में से किस राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में अपना नंबर वन स्थान बरकरार रखा है, तो कौन सा स्टेट है गाइस, हो उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश, क्या नाम है, आंध्र प्रदेश, तो याद रखो आंध्र प्रदेश ये स्टेट फिर से नंबर वन पोजीशन में है, फर्स्ट पोजीशन में है, कहां पे सर, इन द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में, ठीक है, गवर्नेंस रैंकिंग में, ठीक है, द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में दूसरी बार, और पहले नंबर में कौन आया है, आंध्र प्रदेश आया गाइस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेमस गोल्फर डैश वॉज फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम, प्रसिद्ध गोल्फर डैश को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ ऑफ, क्या है, वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो क्या नाम है, फेमस गोल्फर है बहुत ही ज्यादा, उनका नाम क्या है, उनका नाम है टाइगर वुड्स, टाइगर वुड्स, क्या नाम उनका, टाइगर वुड्स, ये कहां रहते हैं, ये यूएसए में रहते हैं, है ना, और ये क्या क्या खेलते हैं, ये गोल्फ खेलते हैं, ठीक है, और इस इनको क्या मिला है, इनको वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया, शामिल किया गया है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, गोल्फ, कहां रहते हैं, यूएस में, और इनको कहां भी इंडक्ट किया गया है ना, औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which edition of the National Youth Parliament Festival NYPF has been organized? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन में, न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हुआ, क्या हुआ, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, इसका कौन सा एडिशन है पूछा, है ना भाई, कौन सा एडिशन है, वो एडिशन है थर्ड, तो थर्ड नंबर का तीसरी बार क्या हुआ, नेशनल यूथ
पार्लियामेंट फेस्टिवल हुआ, ठीक है, NYPF नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हुआ, ये कौन सा एडिशन है, थर्ड, और ये न्यू दिल्ली में हुआ, याद रखना गाइस। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड किडनी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे, विश्व किडनी दिवस हर साल किस दिन मनाया गया है, तो विश्व किडनी दिवस हर साल कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं भाई ये मार्च में मनाते हैं, मार्च के सेकेंड थर्सडे को मनाते हैं, ठीक है, तो वर्ल्ड किडनी डे सब लोग पूरी दुनिया में मार्च में सेकेंड थर्सडे को मनाते हैं, थर्सडे को मनाते हैं, मार्च के सेकेंड थर्सडे को मनाते हैं वर्ल्ड किडनी डे। आपको बताना है ये जो वर्ल्ड किडनी डे है इसका थीम क्या है, देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर आरबीआई, बहुत जबरदस्त, इनमें से कौन आरबीआई के तहत अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान का हिस्सा नहीं है, तो कौन नहीं है भाई, ये है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बिकॉज दिस इज अ मार्केट सिक्योरिटी, है ना, लिविंग वेल विद किडनी डिसीज, दिस इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड किडनी डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन अ मार्च सेकेंड वीक। ठीक है, तो सेबी ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में नहीं है, आरबीआई के अंडर में, फिर कौन कौन है, एक्सिम बैंक है, सीडीबी है, नाबार्ड है, नेफार्ड है ना, ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है ना, वो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आता है, लेकिन सेबी नहीं आता है। सेबी के रिसेंटली अभी कौन हेड बने हैं, मदाबी पुरीबुच, ठीक है, सेबी का हेडक्वार्टर कहा है, ये मुंबई में है, एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर कहा है, मुंबई में है, सिडबी का हेडक्वार्टर कहा है, ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहा है, आपको बताना है क्या ये मुंबई में है, ठीक है, क्या ये मुंबई में है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा डिटेल में पढ़ना होगा, बहुत सारा डिटेल में, तो सुबह 6:30 बजे क्लास होती है रोज डेली, ठीक है, आ जाना देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज अप्रूव्ड हाउ मच इमरजेंसी सपोर्ट फॉर यूक्रेन, आपको पता है अभी रशिया एंड यूक्रेन में युद्ध चालू है, है ना, किसके किसके बीच में युद्ध चालू है, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चालू है, तो अभी जो IMF आया है ना, IMF आया ना, ये क्या कर रहा है बेचारा रशिया, इसके ऊपर बॉम्बिंग बम डाल रहा है, झगड़ा ही झगड़ा कर रहा है, तो इनकी वित्तीय सहायता कर रहा है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, इसको हेल्प कर रहा है, इसका दोस्त है, और इसको पैसे कितना दे रहा है, वो इमरजेंसी सपोर्ट कितना कर रहा है, वो पूछ रहा है भाई सपोर्ट कितना कर रहा है ना, कितना दे रहा है, अप्रूव किया है कि हम आपको यूक्रेन जी आपको हम इमरजेंसी सपोर्ट कर रहे हैं, कितना 1.4 बिलियन, कितना कर रहे जी 1.4 बिलियन, तो याद रखना इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इन्होंने बोला है कि हम यूक्रेन को, किसको, यूक्रेन को इमरजेंसी सपोर्ट कर रहे हैं, पैसों से इमरजेंसी सपोर्ट कर रहे हैं, कितने रुपए का इमरजेंसी फंड सपोर्ट कर रहे हैं, वो $1.4 बिलियन का, इतना $1.4 बिलियन का सपोर्ट कर रहे हैं, $1.4 बिलियन का दे रहा है IMF, याद रखना IMF दे रहा है यूक्रेन को $1.4 बिलियन, याद रखना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, विच हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च स्टार वुमेन्स केयर इंश्योरेंस पॉलिसी,
कि स्वास्थ्य बीमा कंपनी ने स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। तो कौन से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है? उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। तो स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी इन्होंने लॉन्च किया है। भाई भाई क्या लॉन्च किया आपने? स्टार वुमेन, क्या? स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी को, स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं रोज सुबह लेता हूं गाइस, है ना, रिवीजन हो जाता है पूरा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द सेवन कंसेक्यूटिव एडिशन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन सर्वे। ठीक है, ये चालू हो गया अपना रिवीजन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार सातवां संस्करण शुरू किया है? तो किस मिनिस्ट्री ने किया है? उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिसेंटली लॉन्च किया है सातवां कंसेक्यूटिव एडिशन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन सर्वे का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In its budget, West State Administration established a camel protection and the development policy. अपने बजट में किस राज्य प्रशासन ने उन संरक्षण और विकास नीति की स्थापना की है? तो कौन सा स्टेट है गाइज? उस स्टेट का नाम है राजस्थान। तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को लागू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते गाइज। क्रिकेट लेजेंड स्टीन वॉन has passed away, he played for which country? क्रिकेट के दिग्गज शेन वॉन का निधन हो गया, वह किस देश के लिए खेलते थे? तो किस देश के लिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए। किस देश के लिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, इंडिया has signed host country agreement with international telecommunication union for the establishment of an area office and innovation center of the ITU in which city of the country? भारत ने देश के किस शहर में ITU के क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मेजबान देश समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन है गाइस, है ना, इंडिया हैज साइन होस्ट कंट्री एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ द आरटीयू इन व्हिच सिटी ऑफ द कंट्री। कौन सी सिटी में? उस सिटी का नाम है न्यू दिल्ली। तो याद रखना, न्यू दिल्ली में एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर किसका? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर लॉन्च कर रहे हैं न्यू दिल्ली में, याद रखना गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस हैज बीन अवार्डेड द स्पेशल जूरी अवार्ड एट द 9th एडिशन ऑफ द फिक्की वाटर अवार्ड्स? फिक्की वाटर अवार्ड्स के 9वें संस्करण में इनमें से किसे स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? इसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन्हें फिक्की अवार्ड दिया गया है। 9वां एडिशन था फिक्की वाटर अवार्ड्स का, इसमें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया। याद रखना, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन्हें 9वें एडिशन ऑफ फिक्की वाटर अवार्ड्स में कौन सा अवार्ड दिया गया है? स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, विदा इज एन अ न्यू ब्रांड नेम लॉन्च बाय द विच कंपनी फॉर इट द अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? विदा किस कंपनी द्वारा अपने आगामी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लॉन्च किया गया एक नया ब्रांड नेम है? तो कौन है? द आंसर इज हीरो मोटोकॉर्प। याद रखना, तो हीरो मोटोकॉर्प ये कंपनी है, इन्होंने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आने वाले हैं उसके लिए नया नाम दिया है विदा। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as a new CEO of airline company Jet Airways? Airline company Jet Airways के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं?
उनका नाम है संजीव कपूर। संजीव कपूर जी ये न्यू सीईओ बने हैं कहां के, एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। दी 2022 आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री। 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया जा रहा है, तो किस देश में आयोजित किया जा रहा है, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में क्या कर रहे हैं, 2022 का आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है गाइस, याद रखना। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओबेसिटी डे 2022। ठीक है, विश्व मोटापा दिवस 2022 का विषय क्या है, तो क्या है गाइस विषय, एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। ठीक है, तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे ये 4 मार्च को मनाया जाता है हर साल, और उसका थीम है एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। ठीक है, क्या है, एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट थीम है वर्ल्ड ओबेसिटी डे का, जो 4 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, द 19th एडिशन ऑफ द इंडिया यूएस मिलिट्री कॉर्पोरेशन ग्रुप मीटिंग हैज बीन हेल्ड इन विच सिटी रिसेंटली। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है, तो किस शहर में आयोजित किया गया है, तो वो है आगरा में। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड अ वर्चुअल समिट ऑफ क्वाड लीडर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कंस्टिट्यूट्स अ क्वाड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड लीडर्स के वर्चुअल समिट में शिरकत की, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का गठन करता है, तो क्वाड में कौन कौन है गाइस, तो है यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द 9th स्टेट इन द कंट्री टू विदड्रॉ कॉन्सेंट फ्रॉम सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट इंटरनल मैटर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आंतरिक मामला की जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस लेने वाले देश का नवा राज्य बन गया है, तो कौन सा राज्य नवा राज्य बन गया है, उसका नाम है मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज स्टार्टेड डेवलपिंग यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान का विकास शुरू किया है, तो किस को द स्पेस एजेंसी है गाइस, नासा। ठीक है, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अप्रूव्ड द मॉडर्नाइजेशन प्लान फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स स्कीम विद द फाइनेंशियल आउटलेट ऑफ डैश। भारत सरकार ने हाल ही में डैश के वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए आधुनिकरण योजना फोर योजना की मंजूरी दी है, तो कितने पैसे लगने वाले हैं गाइस, वो रुपीज 1523 करोड़ ये पैसे लगने वाले हैं। फाइनेंशियल आउटलेट है उनके स्कीम का, मॉडर्नाइजेशन प्लान फोर फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स स्कीम का। ठीक है, याद रखना 1523 करोड़। नेक्स्ट, इन विच सिटी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ओपन इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल डेस्टिनेशन नेम जियो वर्ल्ड सेंटर। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किस शहर में जियो वर्ल्ड सेंटर नाम से भारत का पहला वैश्विक गंतव्य खोला है, तो कहां पे खोला है, आंसर इज मुंबई महाराष्ट्र में खोला है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल डेस्टिनेशन जियो वर्ल्ड सेंटर। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज फर्स्ट ट्रेन कोलिजन अवॉर्डेंस सिस्टम TCAC that was recently tested by Indian Railways between Gulanguda Chitgidda Railway Station, South Central तरफ आता है, South Zone के तरफ आता है गाइस ये रेलवे स्टेशन, है ना। भारत की पहली ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली का नाम बताइए, जिसका हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा गुलागुड्डा चिटगिड्डा रेलवे स्टेशन के बीच परीक्षण किया गया था, तो क्या नाम है उसका, उसका नाम है कवच। क्या नाम है, कवच। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का इंडिया का पहला नाम क्या दिया है उन्होंने, कवच नाम दिया है। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली ट्रेन इन द ग्रे लिस्ट रिटेन इन द ग्रे लिस्ट
of Financial Action Task Force FATF for failing to check money laundering and terror financing since June 2018 से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की जांच करने में विफल रहने के लिए हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची में रखा गया है? तो कौन से देश को रखा गया है? पाकिस्तान और यूएई को अभी रखा गया है, ठीक है। और पाकिस्तान का 2018 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कंपनी रिसेंटली पार्टनर विद द कोटक महिंद्रा बैंक टू लॉन्च अ को ब्रांडेड फ्यूल क्रेडिट कार्ड? हाल ही में किस कंपनी ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ को ब्रांडेड फ्यूल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की लिए साझेदारी किए हैं? तो किस बैंक ने किए गाइस? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ टाइप किया और ये दोनों मिलकर को ब्रांडेड फ्यूल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली गॉट अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल TDSAT फॉर पीरियड ऑफ 4 years? हाल ही में 4 साल की अवधि के लिए दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं चेयरपर्सन टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए 4 साल के लिए? उनका नाम है धीरूभाई नारायण भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी रिसेंटली टेस्टेड फायर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवी शिप? भारतीय नौसेना ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना जहाज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया? तो किस जहाज से? आंसर इज INS चेन्नई से, ठीक है। इससे INS चेन्नई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका सी है? लोकेश जी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिलीज डेटा बाय हुम द ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ इंडिया ऑन UPI प्लेटफॉर्म हैज डिक्रीज? किसके द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार UPI प्लेटफॉर्म पर भारत के लेन देन मूल्य में कमी आ गई है? तो किसकी किसने बताया ऐसा कमी आ गई, UPI ट्रांजेक्शन कम हो गए बोल के? तो ये बताया है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना गाइस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड विनर एलन लैड जूनियर पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 84? निम्नलिखित में से किस पुरस्कार विजेता एलन लैड जूनियर का हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो उनको कौन सा अवार्ड मिला था? उनको अवार्ड मिला था ऑस्कर। कौन सा मिला था? ऑस्कर। नेक्स्ट, India's first floating storage and regasification unit, HOGGIANT, has received the H-Jaeger Energy Terminal located in this state. भारत के पहला floating storage और regasification unit HOGGIANT को किस राज्य में स्थित एक H-Jaeger Energy का टर्मिनल मिला है, ठीक है। तो किसे मिला है? उसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को मिला, ठीक है। H-Jaeger Energy Terminal ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, है ना। और इससे पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट HOGGIANT मिला, इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट MMICS that will be used in radar imaging satellite modules of EOS-04, ठीक है, EOS-04। किस संगठन ने मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट विकसित किया है जिसका उपयोग EOS-04 के रडार इमेजिंग उपग्रह मॉड्यूल में किया जाएगा? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है गाइस? वो ऑर्गेनाइजेशन है DRDO। DRDO ने क्या किया है? मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या किया? डेवलप किया है और इसे यूज किया जाएगा रडार इमेजिंग में, रडार इमेजिंग सैटेलाइट मॉड्यूल्स में जो EOS-04 यूज करेगा, ठीक है, याद रखना गाइस।
आपको देखो 35 क्वेश्चन हो गए गाइस, आपको बताना 35 आउट ऑफ कितने मिले, सच सच बताना, 35 के 35 राइट हैंड कितने मिले आपको जल्दी बताना। थर्टी फाइव आउट ऑफ किसको कितने मिले, निशा सारे 19, लोकेश 25, अभिषेक 22, जल्दी फास्ट गाइस। बाकी के लोग सोए हैं, रोहन 15, तीस, बीस, पल्लवी 30, नंदिनी 20, पल्लवी को 30 मिले, लोकेश को 25 मिले और अभिषेक को 22 मिले, ठीक है, टॉप 3 होगा, बाकी के सोते रहो। आकाश को 39, वेरी गुड आकाश, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, ठीक है चलते हैं गाइस। पहला नंबर है आकाश का, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च डॉग हेल्थ कवर, अ कॉम्प्रेहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पेट डॉग्स एंड अ डिजिटल कैंपेन नेम ओ माई गॉड ओ माई डॉग, ठीक है ओ माई डॉग। इस बीमा कंपनी ने डॉग हेल्थ कवर, पालतू कुत्तों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा और ओ माई डॉग नामक एक डिजिटल अभियान शुरू किया है। तो किस कौन सा इंश्योरेंस कंपनी गाइस, उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम है फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस। क्या नाम है, फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस। इन्होंने लॉन्च किया है डॉग हेल्थ कवर, है ना, इनका जितने भी पेट डॉग से उनके लिए, तो इसके लिए डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया ओ माय डॉग, ठीक है याद रखना फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन औषधि दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश 2022 बाय द फार्माक्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया। भारत के फार्माक्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो द्वारा जन औषधि दिवस डैश 2022 को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है गाइस, तो ये हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम है जन औषधि जन उपयोगी। क्या नाम है, जन औषधि जन उपयोगी। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली रिसीव्ड एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोचैम अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी एक्सेलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में ऊर्जा प्रबंधन के स्थिरता उत्कृष्टता के लिए एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन पुरस्कार मिला है। क्या नाम है उस कंपनी का, उस कंपनी का नाम है CTRLS कंट्रोल्स, CTRLS, ठीक है। नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI's IPL गवर्निंग काउंसिल अनाउंस्ड डैश एज एन ऑफिशियल पार्टनर फॉर द टाटा IPL 2022। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की IPL गवर्निंग काउंसिल की टाटा IPL 2022 के लिए एक आधिकारिक भागीदारी के रूप में डैश की घोषणा की है। तो किसकी घोषणा की है, ये रुपए की घोषणा की है, ठीक है इसकी रुपए की। नेक्स्ट, फॉर्मर क्रिकेटर रोडनी विलियम मार्स Recently passed away, ठीक है। Which country did he represent the international cricket? पूर्व क्रिकेट रॉडनी विलियम मार्स का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किस देश का प्रतिनिधित्व किया, तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दो दो लोग मिले, मर गए, रॉडनी विलियम मार्स एंड शेन वॉन, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में इसे नियुक्त किया गया है, तो कौन बनेगा इस, उनका नाम है नितिन चुग। क्या नाम है, नितिन चुग। नेक्स्ट,
The Global System for Mobile Communication Association has organized the 2022 Mobile World Congress in Dash. Global System for Mobile Communication Association GSMA 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की आयोजन डैश में किया है। तो कहां पे हुआ था ये मोबाइल 2022 का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस मीटिंग, ठीक है, तो वो हुआ है बार्सिलोना स्पेन में, स्पेन के बार्सिलोना में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप, ठीक है, इतने याद रखना, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप के ऑथर कौन है, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथर, क्या नाम है, तो ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप की जीवनी के लेखक कौन है, तो कौन है ऑथर गाइस, द आंसर इज सृष्टि झा, कौन है, सृष्टि झा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू डे लॉन्ग स्टडी इन इंडिया 2022 मीटिंग वॉज इनॉग्रेटेड इन डैश, भारत में दो दिवसीय अध्ययन 2022 की बैठक का उद्घाटन डैश में किया गया था। तो टू डे लॉन्ग स्टडी इन इंडिया, ये जो मीटिंग हुई है कहां पे हुई है, ये हुई है ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पार्टनर विथ द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू प्रिजर्व द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए हाल ही में कि संगठन ने इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के साथ अपनी पहली बार भागीदारी की है, तो उसका नाम है यूनेस्को। नेक्स्ट, विच बैंक रिसेंटली साइन एन एमयू विद द आईपीई ग्लोबल लिमिटेड टू प्रोवाइड द यूएसडी 150 मिलियन फॉर द समृद्धि हेल्थ केयर ब्रांडेड फाइनेंशियल फैसिलिटी, इस बैंक ने हाल ही में समृद्धि हेल्थ केयर ब्रांडेड फाइनेंशियल फैसिलिटी के लिए 150 मिलियन अमेरिकन डॉलर प्रदान करने के लिए आईपीई ग्लोबल लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो कौन सा बैंक है गाइस, तो उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक, क्या नाम है, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which company recently partnered with the VTEX to offer the multiple local payment method for merchants? व्यापारियों के लिए कई स्थानिक भुगतान विधियों की पेशकश करने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने VTEX के साथ भागीदारी की है? तो कौन सी कंपनी है गाइज, वो है PayU, कौन सी है, PayU। नेक्स्ट, The sea level trials of India's first indigenously developed flying trainer was successfully completed recently at Puducherry. What is the name of this trainer aircraft? भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर का समृद्ध स्तरीय परीक्षण हाल ही में पुडुचेरी में सफलतापूर्वक किया गया। इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो क्या है इस एयरक्राफ्ट का नाम? इसका नाम है हंसा एनजी। Next, who has been appointed as the chairperson of Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunals, TDSAT. तो chairperson बने हैं Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunals के कौन? तो उनका नाम है, क्या नाम है उनका, धीरूभाई नारायण भाई पटेल, क्या नाम है, धीरूभाई नारायण भाई पटेल। Next, Which country has recently placed on the Financial Action Task Force grey list? हाल ही में किस देश को Financial Action Task Force के grey list में रखा गया? तो फिलहाल रखा गया है United Arab Emirates, और 2018 से तो भाई पाकिस्तान भी है grey list में। Next, who has the 23rd Women Grand Master of India? भारत की 23वीं महिला Grand Master कौन थी? तो कौन है, प्रियंका नुटक्की, क्या खेलती है, चेस खेलती है, और ये कहा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में रहती है, यही प्रियंका नोटक की 23वीं वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बनी है, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट हैज रिसेंटली ओपन इट्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन इंडिया इन डैश, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में भारत में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर डैश में खोला है। तो कहां खोला है गाइस, द आंसर इज हैदराबाद में खोला, हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट ने
लार्जेस्ट डेटा सेंटर ओपन किया है, ठीक है। नेक्स्ट हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इट इंटरनेशनल वुमेन्स डे एनुअली, प्रतिवर्ष किस दिन को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किस दिन को मनाया जाता है गाइस, द आंसर इज 8 मार्च। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, उसका थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट, भारतीय एयरटेल हैज जॉइंड हैंड्स विद द बीच बैंक टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड टू स्ट्रेथन टू द वर्क ऑफ द इंडियाज डिजिटल इकोसिस्टम। भारतीय एयरटेल ने भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के विकास को मजबूत करने के लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है, किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है भारतीय एयरटेल ने, आंसर इज ये एक्सिस बैंक के साथ। नेक्स्ट, इंडिया ग्लोबल फोरम एनुअल समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन डैश, इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया है, तो कहा होने वाला है इंडिया ग्लोबल फोरम, है ना, ये बैंगलोर कर्नाटका में होना है, कहां पे, बैंगलुरु कर्नाटका में इंडिया ग्लोबल फोरम होने वाला है। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज बीन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसे 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, क्या नाम है उनका, उनका नाम है आरुषि वर्मा, क्या नाम है, आरुषि वर्मा। नेक्स्ट, समर्थ इज अ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, समर्थ महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो किस मंत्रालय ने चालू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, राणे, है ना, राणे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने समर्थ नाम का स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव चालू किया है वुमेन लोगों के लिए। नेक्स्ट, द इंडिया श्रीलंका बायोलैटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज लिनिक्स 2022 हेल्ड इन विच प्लेस, भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास लिनिक्स 2022 किस स्थान पर आयोजित किया गया है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्लीनेक एक्सरसाइज होती है, मित्र शक्ति होती है, और ये जो स्लीनेक हुआ है वो कहां पे हुई है, वो हुई है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, डोनेट अ पेंशन कैंपेन हैज बीन लॉन्च अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली, हाल ही में सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान शुरू किया गया है, तो किस स्कीम के अंतर्गत, किस योजना के अंतर्गत दान ए पेंशन शुरू किया गया कैंपेन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत डोनेट पेंशन कैंपेन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री फॉर फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इनॉग्रेटेड द सागर परिक्रमा एंड इनिशिएटिव टू सॉल्व द कंसर्न ऑफ द फिशरमैन कम्युनिटी, डैश इज द फर्स्ट स्टेट एज अ पार्ट ऑफ द सागर परिक्रमा इनिशिएटिव, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया जो मछुआरा समुदाय की चिंताओं को हल करने के लिए एक पहल है, डैश सागर परिक्रमा पहल के तहत पहला राज्य है, तो कौन सा राज्य पहला है, गुजरात, ठीक है, सागर परिक्रमा। नेक्स्ट, डैश बैंक सैंक्शन अ लोन टू जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू प्रोवाइड द फंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डैश बैंक ने विकास वित्त निगम लिमिटेड के जम्मू एंड कश्मीर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए ऋण स्वीकृत किया है, तो किस बैंक के साथ, आंसर इंडियन ओवरसीज बैंक, और कितना, 1000 करोड़, ठीक है, याद रखना इंडियन ओवरसीज बैंक की बात आई है, इसका फाउंडेशन हुआ था 10 फरवरी 1937 में, हेडक्वार्टर चेन्नई है, इसके सीईओ पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइन एन एमओयू विद इंडियन बैंक्स एसोसिएशन टू इंप्रूव द क्रेडिटर्स हैंडलिंग ऑफ बैंकरप्सी केसेस, दिवालीपन के मामले को संभालने वाले
लेनदारों को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में कि संगठन ने भारतीय बैंक संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है गाइस? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ टाइप किया और एक इंप्रूव करने वाले हैं क्रेडिट हैंडलिंग, जिन्होंने भी बैंकरप्सी केसेस बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट, डैश वुमन द फर्स्ट प्राइज इन द इस्पात राज्यसभा अवार्ड फॉर 2018-19 एंड 2020-21 एंड द इस्पात राज्यसभा प्रेरणा अवार्ड फॉर 2019-20। डैश ने 2018-19 और 19-20 के लिए इस्पात राज्यसभा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार एंड 2019-20 के लिए इस्पात राज्यसभा प्रेरणा पुरस्कार जीता है। तो कौन है, किसने जीता है? आंसर इज, उनका नाम है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने फर्स्ट प्राइज जीता है इस्पात राज्यसभा अवार्ड 2018-19 के लिए और इस्पात राज्यसभा प्रेरणा अवार्ड 2019-20। ठीक है, नेक्स्ट, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन डैश। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने डैश में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर भारत में सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो कहां पे? आंसर इज, वो है थुत्तुकुडु। कहां पे? थुत्तुकुडु में तमिलनाडु के कुड़ी में एम के स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के, उन्होंने इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया। नेक्स्ट, वेस्टर्न गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च दी कौशल्य मित्रत्व कौशल्य मातृत्व योजना टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द रुपीज 5,000 फॉर द सेफ मदरहुड प्रैक्टिसेस। इस राज्य सरकार ने हाल ही में सुरक्षित मातृत्व प्रथाओं के लिए 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की है। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है गाइस? छत्तीसगढ़ ने, है ना, छत्तीसगढ़ ने कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया है, याद रखना, और वो 5,000 रुपए देने वाले हैं, है ना, उस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट आम योजना। कौन सा योजना? आम योजना, अ स्कीम फॉर हेल्पिंग नॉन वर्किंग मदर्स एंड बहिनी स्कीम बेनिफिटिंग गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द स्टेट। कौन सी राज्य सरकार गैर कामकाजी माताओं की मदद करने के लिए एक योजना, आम योजना, और राज्य की छात्रों को लाभान्वित करने के लिए बहिनी योजना शुरू लागू की है? तो कौन सा स्टेट है गाइज? वो स्टेट का नाम है सिक्किम। नेक्स्ट, Who was recently appointed as a brand ambassador for its women's cardiovascular health awareness initiative Shakti campaign by Lupin Limited? हाल ही में Lupin Limited द्वारा महिला हृदय स्वास्थ्य जागरूकता पहल शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसिडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है मैरी कॉम। क्या नाम है? मैरी कॉम, बॉक्सिंग खेलती है। नेक्स्ट, Name the health insurance company that recently launched the women-centric comprehensive health cover named Star Women Care Insurance Policy. उस स्वास्थ्य बीमा कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में Star Women Care Insurance Policy नाम से एक महिला केंद्रित व्यापक स्वास्थ्य कवर लॉन्च किया है। तो क्या नाम है? आंसर Star Health and Allied Insurance। ठीक है, रिवीजन हो गया होगा। Which mutual fund has launched a women lead financial empowerment initiative Lakshmi for Lakshmi? इस mutual fund ने महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय शक्ति सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी शुरू की है। तो किसने की है? आंसर HDFC म्यूचुअल फंड। तो HDFC म्यूचुअल फंड ने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी ये एम्पावरमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी, HDFC म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट, The central government has recently approved the continuation of Swatantrata Sainik Samman Yojana SSSY till the financial year dash with the total outlay of the 3274.87 crore.
केंद्र सरकार ने हाल ही में 3274.87 करोड़ रुपए की कुल परिवय के साथ स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना को वित्तीय वर्ष डैश तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो कब तक जारी रखने वाले है गाइस? तो वो है 2025-26 तक, है ना। क्या स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना पैसे 3274.87 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च अ 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट्स। What is the name of this initiative? RBI ने डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन शुरू की है। इस पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम क्या है? डीजी साथी। क्या है? डीजी साथी RBI ने चालू किया है 24 घंटे, 24/7, है ना, हेल्पलाइन है ये डिजिटल पेमेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, Be Aware is a booklet featuring modules operandi of financial frauds. The booklet has been released by which organization? Be Aware वित्तीय धोखाधड़ी के तौर तरीके की एक पुस्तिका है। पुस्तिका किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो किसने जारी की है? आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बी अवेयर नाम का बुकलेट जारी किया है, जो वहां दिया है कि कैसे अपन फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रोक सके। नेक्स्ट, नेम द यूपीआई फैसिलिटी लॉन्च बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर फीचर फोन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई यूपीआई सुविधा का नाम बताइए। तो क्या चालू किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? UPI 123 पे। तो UPI 123 पे ये UPI फैसिलिटी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फीचर फोन के लिए चालू किया है। नेक्स्ट, द पैन इंडिया प्रोग्राम जरोखा हैज बीन launched by the Ministry of the Culture and Ministry of Textile to promote the traditional Indian handicraft, handloom and the art and culture. The inaugural celebration of the program was held in this city. पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला और सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय कार्यक्रम जरोखा शुरू किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो कहां पे हुआ था जरोखा प्रोग्राम? ये हुआ था भोपाल, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी वुमेन वेयर फेलिसिटेड विद द नारी शक्ति पुरस्कार फॉर द ईयर 2020 and 2021 ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो 8 मार्च को मनाया गया था, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2022-2021 के लिए कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितने लोगों को दिया गया? 29 लोगों को क्या दिया गया? इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन नारी शक्ति पुरस्कार दिया है 2020-21 के लिए। नेक्स्ट, नूर 2 इज अ मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च बाय व्हिच कंट्री रिसेंटली? नूर 2 हाल ही में किस देश द्वारा प्रक्षेपित सैन्य उपग्रह है? तो किस देश का है नूर 2? यह है ईरान का, ठीक है। नेक्स्ट, टी राजा कुमार हैज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ही हेज फ्रॉम व्हिच कंट्री? टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वह किस देश से ताल्लुक रखते हैं? तो किस देश से बिलोंग करते हैं टी राजा कुमार, जो प्रेसिडेंट बने हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के? पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है उसका। ये सिंगापुर से बिलोंग करते हैं टी राजा कुमार, जो प्रेसिडेंट बने हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। तो ये थे गाइस अपने टॉप सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2022 के करंट अफेयर, जो एग्जाम में आने ही वाले हैं, है ना। अगर आपको थोड़ा सा स्किप भी हुआ होगा, आपको रिवीजन करना है, तो इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हो, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसे देना नहीं है, कुछ नहीं है। जितना फायदा उठा सकते हो उतना उठा लो इस वीडियो से। बार बार देखो, है ना। 1.2 में, 1.5 में, 1.75 में देखो, 2 में देखो, जैसा भी देना देखो, रिविजन करो बार बार। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा, है ना। और सुबह का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वहां स्टैटिक भी रहता है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी रहता है, एंड टॉपिक भी रहता है। तो पूरा होल सोल आपका क्या होने वाला है, रिवीजन होने वाला है।
19 तारीख को एसआईसी का पेपर है ना, यूडीसी, फिर उसके बाद एमटीएस का भी पेपर है, रिजर्व बैंक का भी पेपर है, कंटिन्यूअसली पेपर है गाइस, फोकस करो स्टडी के ऊपर। फिर होली भी है, कब है होली, कब है होली होगा आपके साथ, तो थोड़ा फोकस करो, बी पंक्चुअल, बी ईमानदार, बी सेंसिटेबल, बी हेल्पफुल नेचर, और बिल्कुल फोकसफुल और रिस्पेक्ट करो लोगों के, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको गाइडेंस करता है ना, आपके माता पिता को, आपकी फैमिली को, सबको, है ना। और पढ़ाई की तरफ फोकस करो, एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा, बस करते रहना है, पकड़ते हुए रहना है रोज 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 रोज। अगर ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करो गाइज, शेयर करो गाइज, सब्सक्राइब करो गाइज, है ना। जो भी नए लोग आते हैं सब्सक्राइब करो, आपके भाई बहन जो भी होंगे जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी बताओ, वहां से हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। सब्सक्राइब करके रख दो, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जब चाहे पता नहीं आपका माइंड चेंज होगा, पढ़ाई करने लग जाओगे, है ना। तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने केसीसी स्टडी सर्कल को, और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले, है ना। मेरा नाम है प्रणकेश, एंड सबका मंगल मैत्री हो, सबका मंगल हो, सब में मंगल मैत्री की भावना हो, पूरी दुनिया में, विश्व में, पराली मात्रा में, सब में सब खुश रहे, बस इतना ही दुआ करता हूँ गाइस, ठीक है। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, ठीक है, जब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, पीस आउट का, सुबह 6 बजे 6:30 बजे मिलते हैं, ठीक है, बने रहिए किसी स्टडी सर्कल के साथ। Thank you.